में ये मौसी खोद रही हैं अभी। ये देखो कितनी सारी, देखें इधर मौसी, ये देखो मॉर्निंग का टाइम। और किसान लोग कैसे सब्जियां उगाते हैं, कैसे फसल को तैयार करते हैं, तो नमकीन कैसे खा रही है, लेट गई है। और अभी ये देखो, खाओ खाओ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे एंड बिंदास होंगे। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये है जो प्यास की बनती है, और ये ग्लास में है चाय मौसी जी के यहाँ। तो आओ और आप लोग भी चाय पियो और पकौड़े खाओ। भी लोग तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये आने जाने की रास्ता है, और इसके आगे जाएंगे तो एक मेन रोड मिल जाएगी। अभी जब बारिश हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इस रोड से हम बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। लोग यहाँ पर गाँव देहात में घूमने टहलने के लिए आते हैं, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं अभी। और जब रोड से थोड़ा आगे आएंगे तो ये मिलता है एक नाला, है ना दादा, नाला है ना? हाँ, ये पूरा नाला है यहाँ। तो गांव देहात की कुछ ऐसी ही लाइफ है, सुबह मॉर्निंग का टाइम देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया सुहावना मौसम, ताज़ी हवाएं, बिल्कुल शुद्ध हवाएं मिलती हैं यहाँ पे गांव देहात में। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मौसी जी के खेत, और आपको दिखाता हूँ कि खेत में क्या क्या है और गांव देहात में सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं और कौन सी खेत में सब्जी है, ठीक है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो चलिए चलते हैं और सारा कुछ आपको अभी दिखाते हैं। और यहाँ की लोकेशन कुछ इस तरीके से है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह होते हैं कुछ वैसा ही इलाका है ये जो है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो है ये एक नाली टाइप की है, बड़ी नाली टाइप की, ठीक है। और मम्मा और मौसी वो देखो आगे जा रही हैं, तो चलिए चलते हैं फिर सारा। तो यहाँ का जो एरिया है कुछ इस तरीके से है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे अभी। और ये जो है केला के पेड़ हैं, और अभी हम इधर जा रहे हैं। तो ये जो बनी हुई ना छावनी टाइप की छोटी सी, तो ये यहाँ पे जो फसल होती है यानी कि जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, तो गाय से बचाने के लिए जानवर जो रात में आ जाते हैं तो पूरी फसल को बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लोग होते हैं, तो अगर कोई जानवर आता है तो फसल को या फिर सब्जियों को बचाने के लिए वो फिर जानवरों को खेदता है, तो इसीलिए ये छावनी बनाई गई है। और यहाँ पर धूप वगैरह होती है तो आराम से बैठ कर अच्छे से रेस्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक बढ़िया चारपाई पड़ी हुई, ये देखिए ये छावनी कुछ इस तरह से है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ पपीता, पपाया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये देखो लगे हुए हैं। ये पपीता का पूरा पेड़ है, नीचे तक देख सकते हैं पेड़ कुछ इस तरह से होता है। अभी ये कच्चे हैं और जब पक जाएंगे तो भाई बहुत मीठे लगते हैं ये। तो अभी मेरी मौसी जी घुइयां निकाल रही हैं, देखे कैसे निकलती है, ओ गजब। ये देखो एक पेड़ में इतनी सारी घुइयां निकली हुई है, ये देखो ये घुइयां है और ये घुइयां के पेड़ हैं। अभी देखो मौसी कैसे निकाल रही हैं, खुद काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि घुइयां का पेड़ कैसा होता है और कैसे घुइयां लगती है, जो घुइयां की सब्जी होती है। तो ये देख सकते हो एक पेड़ में कितनी सारी निकल रही हैं। अभी ये एक पेड़ की हैं, दूसरे पेड़ में ये मौसी खोद रही हैं अभी। ये देखो कितनी सारी, देखें इधर मौसी, ये देखो सब घुइयां निकली हुई कितनी सारी। तो गांव देहात में यही एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर किसान लोग बो देते हैं तो खाने के लिए सब्जियां हो जाती हैं अच्छी तरीके से, और यहीं से सारी सब्जियां भी सप्लाई होती हैं, जो सिटी में जाती हैं बड़े बड़े जगहों पर जाती हैं, तो सब यहीं इसी तरह खेत में पैदा होती हैं। ये पूरा घुइयां का खेत है, ठीक है। ये देखो तो अभी खोदने वाली हैं और ये यहाँ पर खोदी जा रही हैं, तो कुछ इस प्रकार से है पूरा। ये देखो कितना साफ बढ़िया निकल आई है, ये देखो। सो गाइस, अब जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमारी विलेज लाइफ कैसी होती है, हमारी विलेज लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ठीक है, और हम सभी लोग गांव देहात में कैसे रहते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, और किसान लोग कैसे सब्जियां उगाते हैं, कैसे फसल को तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आपको अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। सऊदी के भी ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाले हैं, सऊदी अरबिया के, ठीक है, तो देखना उन्हें बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल
को सब्सक्राइब करके बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करता हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। अभी हम लोग चल रहे हैं घर, फिर उसके बाद निकलना है मुझे अपने घर। ओके, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो अभी यहाँ पे ये बकरियाँ हैं बंधी हुई आराम से, और ये रास्ता है, और इस रास्ते से अभी हम जाएंगे अपनी मौसी के घर के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बरम बाबा का ये चबूतरा बना हुआ है, वहीं पे आराम कर रहे हैं। बढ़िया ठंडा लगता है यहाँ पे, पीपल का पेड़ है बढ़िया। मैं आ गया अभी मौसी के घर, ये मौसी का घर। अभी दीदी जी मामा बैठे हुए हैं, मम्मी इधर खड़ी हैं। बिट्टी क्या कर रही है बताओ पहले। बिट्टी देखो कैसे यहाँ पे नमकीन खा रही है। इधर देखो, इधर देखो तो बिट्टी, इधर देखो। अरे क्या खा रही हो? बिट्टी नमकीन खा रही है, अभी लेकर आई। बिट्टी ये क्या कर रही हो बताओ? ये देखो नमकीन कैसे खा रही है, लेट गई है। और अभी ये देखो, खाओ खाओ खाओ, देखे देखे आराम से लेट कर खा रही है। हाथ से उठाना नहीं पड़ेगा इसलिए लेट कर खा रही है। देखो कैसे खा रही है बिट्टी नमकीन। ये हिल क्यों रहे हैं, ये हिल क्यों रहे हैं ऑटोमेटिक? हाँ क्यों हिल रही है बताओ? ये दरअसल फैन चल रहा है ना, और ये नमकीन है पापड़ी वाली, तो वही पूरी उड़ी जा रही है यहाँ पे तखत पर से।